हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। उम्मीद कर रहा हूं पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और लेक्सेटिव लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, एक चीज मैं बता दूं, मैं बच्चों कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है, मैं बता दूं, जितने भी लेक्चर मेरे पढ़े हैं, जितने भी कोग्नोसी के, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एक चैप्टर बचा है बस का, वो भी एक दो दिन में कवर हो जाएगा। सबके नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कहां पर? डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक फॉर नोट्स दे रखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे, बकायदा पीडीएफ बन के आएगी। ठीक है, वो तुम लोगों के लिए ही है, तुम लोगों की हेल्प करने के लिए है। ठीक है ना, उस पीडीएफ को डाउनलोड करें, प्रिंट करा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं तो प्रिंट करा लीजिए, अदरवाइज मोबाइल में रह के भी उसको पढ़ सकते हैं, या उससे आप अपने नोट्स को वापस से रीनोट कर सकते हैं, यानी कि अपनी कॉपी में द्वारा से लिख सकते हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। और एक चीज, मैं सबके नोट्स दूंगा, सबके, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर जो होंगे उनके भी नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, और उनको थोड़ा बहुत डिस्कस भी करेंगे। थोड़ा सा टाइम दो मेरे को, मार्च एंड तक लगभग सारी चीजें मैं कवर करवा दूंगा। कोग्नोसी का कोर्स भी खींचने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 5 फार्माकोग्नोसी का। ठीक है, और लेक्चर नंबर 2 जिसके अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे कार्डियोटोनिक्स और एंटीटसिस। क्या होते हैं कार्डियोटोनिक्स और उनके अंदर इस्तेमाल होने वाले ड्रग्स? फिर बता रहा हूं मैं, कुछ बच्चों का एक सवाल आया था कि सर बायोलॉजिकल सोर्स के अलावा ज्योग्राफिकल सोर्स। बेटा बीफार्म वगैरह में तो ज्योग्राफिकल सोर्स और थोड़ी डिटेलिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, अभी आप डीफार्मा में हो इसीलिए आपको सिलेक्टेड पार्ट बोला हुआ है। ठीक है, फार्मेसी जब बी फार्मा करने जाओगे वहां पे लिख करके बकायदा आएगा। तो अभी फिलहाल जो अपने सिलेबस में 3 चीजें मेंशन है, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टेंट और थेरापेटिक एफिकेसी, इस पर ज्यादा ध्यान दें। क्लियर है? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो कार्डियोटोनिक्स, कार्डियो वर्ड जो लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का लेक्चर मेरे देख चुके होंगे उनको उम्मीद कर रहा हूं अब ये कार्डियोटोनिक वर्ड बड़े इजीली समझ में आ रहा होगा। क्या होते हैं कार्डियोटोनिक? टोनिक जो ताकत दे, और कार्डियो यानी कि हार्ट को, यानी कि हमारे दिल को ताकत देने वाला। बुढ़ापा आते आते या किन्हीं और कारणों से कई बार हार्ट की मसल्स वगैरह क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। ठीक है, उनको ताकत देना है, उनको टोनिक देना है, ऐसे सारे ड्रग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियो टोनिक। ठीक है, कुछ हम लोग केमिकली होते हैं जो हमें नेचुरली मिलते हैं, डायरेक्ट हम किसी का पत्ता खा लें, छाल खा लें, है ना, इस टाइप से हमें कुछ चीजें बेनिफिट करती हैं। आओ देखते हैं क्या है। ड्रग्स डेट इंक्रीज द कॉन्ट्रेक्टाइल पावर, हार्ट को ऐसे करके प्रेस होना है ना, कॉन्ट्रैक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा ब्लड पंप करके वो बाहर करेगा। मान लो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं पा रहा है, हल्का ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हल्का ब्लड बाहर निकलेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारे सेल्स और टिश्यूज के पास जब ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी, है ना, ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है, ब्लड। जब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंचेगी तो फिर क्या होगा, वहां पर ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, सेल्स और टिश्यूज हमारे डैमेज होने लगेंगे। क्लियर है? और भी कई तरह की प्रॉब्लम आने लगती है। तो आप देखते हैं क्या कह रहा है, ड्रग्स डेट इंक्रीज द कॉन्ट्रेक्टाइल पावर ऑफ मायोकार्डियम, मायो मतलब मसल्स, ऑफ कार्डियम मतलब हार्ट, मायो मीन्स मसल्स और कार्डियम मीन्स हार्ट, हार्ट की मसल्स की जो कॉन्ट्रेक्टाइल पावर को बढ़ाए, एंड दस इंक्रीज द कैपेबिलिटी, और फिर दस मतलब इस तरह से एनहेंस करेगा, एनहेंस मतलब इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना, इट्स कैपेबिलिटी एंड एफिकेसी, उसकी क्षमता और एफिशिएंसी को बढ़ा दे, आर कॉल्ड कार्डियोटोनिक एजेंट्स। ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियोटोनिक एजेंट्स कहते हैं। क्लियर है? कार्डियक इनसफिशिएंसी कैन बी डिफाइंड एज एन कार्डियक इनसफिशिएंसी, ध्यान देना शब्द का, इनसफिशिएंसी मतलब हार्ट की अक्षमता, उसकी अक्षमता से क्या मतलब है, डिफाइंड एज एन इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट, हार्ट की इनएबिलिटी टू पंप अ सफिशियंट अमाउंट ऑफ ब्लड, कि हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है सफिशियंट अमाउंट ऑफ ब्लड टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। ब्लड के साथ क्या जाता है, ऑक्सीजन जाती है और न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। अगर हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं कर पाएगा तो टिश्यूज और ऑर्गन के पास ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं पहुंच पाएंगे। बात समझ में आ रही है? विच लीड्स टू, जिसकी वजह से, जो कि जिम्मेदार होगा किसके लिए, फटीग, थकान आना स्टार्ट हो जाएगी हमारी बॉडी में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होगी, एडिमा, सूजन आ सकती बॉडी में। ठीक है, ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी बॉडी के अंदर। कार्डियक इनसफिशिएंसी इज मोस्ट ऑफन कॉज्ड बाय
आर्टरियल हाइपरटेंशन, है ना, आर्टरियों का जो हाइपरटेंशन होता है उसकी वजह से इसका मेजर कारण होता है। एंड इस्केमिक हार्ट डिजीज, इस्केमिक मतलब जब हार्ट के मसल्स के खुद के पास ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा रही है। हार्ट की मसल के पास ऑक्सीजन कब नहीं जाएगी, ऑब्वियसली बात है जब हार्ट की नसें जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो रही होंगी, तो उसके हार्ट की मसल्स के पास क्या नहीं जा रही होगी, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जाएगी, तो इस्केमिया हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां हमने बेसिक चीजें समझी कि कार्डियोटोनिक्स क्या होते हैं, ठीक है, और क्या करेंगे, हार्ट क्या काम करेगा। ठीक है, कार्डियोटोनिक ड्रग्स इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होने की क्षमता है उसको इंक्रीज करेगा। ठीक है, किसके मसल्स की, किसकी, मायोकार्डियम यानी कि हार्ट की मसल्स की कॉन्ट्रैक्ट होने की, सिकुड़ने की क्षमता को इंक्रीज करता है। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक एक्शन। अब कुछ बच्चों को आइनोट्रॉपिक वर्ड से बड़ी दिक्कत रहती है, सर आइनोट्रॉपिक क्या है, तो आप देखते हैं ये पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। तो आइनोट्रॉपिक का मतलब क्या है, आओ आज इसको क्लियर कर दें तुम लोगों का, ठीक है, बच्चों को दिक्कत ही खत्म हो जाएगी आज के बाद से। आइनोट्रॉपिक एजेंट्स, देखो हेडिंग है हमारे पास, और आइनोट्रॉप्स, है ना, इसी को समझाने के लिए मैंने एक लाइन डाल दी एक्स्ट्रा, आर मेडिसिन, वो मेडिसिन है डेट चेंज द फोर्स ऑफ योर हार्ट, हार्ट प्रेस कर रहा है ना, उसकी प्रेस करने की जो ताकत है उसको चेंज जो ड्रग्स करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइनोट्रॉपिक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर कैल्शियम आयन इन सब का खेल होता है तो इनका नाम पड़ गया आइनोट्रॉपिक। ठीक है, देर आर टू काइंड्स ऑफ आइनोट्रॉप, दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव आइनोट्रॉप स्ट्रेंथन द फोर्स, फोर्स को बढ़ाते हैं ताकि हार्ट बीट, ठीक है ना, बढ़े जल्दी जल्दी, और नेगेटिव आइनोट्रॉप वीकन द फोर्स, अगर मान लो हार्ट बहुत तेजी से धड़क रहा है और दिक्कत कर रहा है तो हम नेगेटिव आइनोट्रॉप दूसरी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जो हार्ट को थोड़ा सा स्लो करेगी। क्लियर है बातें, तो आइनोट्रॉपिक क्लियर हो गया, पॉजिटिव आइनोट्रॉप और नेगेटिव आइनोट्रॉप, क्लियर है, ओके आगे आते हैं। व्हेन द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोकार्डियम इज इंक्रीज्ड, अगर फोर्स जो होगा हार्ट की मसल्स का इंक्रीज कर जाएगा, द अमाउंट ऑफ ब्लड लीविंग द लेफ्ट, जो निकलेगा, लीव मतलब छोड़ेगा लेफ्ट वेंट्रिकल को, है ना, ध्यान है ना, हार्ट का ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, यहां से ब्लड होके कहां जाता है, बॉडी के सेल के पास, ठीक है, याद आ गया, गुड, फिर यहां से होकर के ऐसे जाता है, क्लियर है ना, ओके। तो अमाउंट ऑफ ब्लड लीविंग द लेफ्ट वेंट्रिकल इंक्रीजेस कार्डियक आउटपुट, यहां से जो आउटपुट निकल रहा है ब्लड में जाने के लिए वो इंक्रीज कर जाएगा। आउटपुट का मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ ब्लड लीविंग द लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल विद ईच कॉन्ट्रैक्शन इज ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है, मतलब कार्डियक आउटपुट तेजी से प्रेस होगा तो अंदर जितना भी ब्लड होता है वो सारा का सारा प्रेस होकर बाहर आ जाएगा, तो अमाउंट ऑफ ब्लड जो यहां से निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, बॉडी के पास हमारे ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड पहुंचेगा, क्लियर है। तो चलो अब देखते हैं, हमने कार्डियोटोनिक समझ लिया, इसमें सबसे पहले एक टर्म आएगा वहां पर डिजिटलिस, क्या होता है डिजिटलिस, ये पौधा शायद तुम लोगों ने देखा होगा ना, ये जितना भी हम लोग हर्ब पढ़ रहे हैं ये जंगल वंगलों में ऐसी होता है ना, अब आजकल क्या है इनकी खेती भी लोग करने लगे, कारण इनसे फायदा होता है ना, ये ड्रग्स अब बिकने लगे हैं, पहले ऐसे जंगलों में होते थे पुराने टाइम पे, एंशियंट टाइम पे ना, हम लोग आदि मानव काल में लोगों ने खाया, फायदा हुआ और खाया, तो जिसको बीमारी थी धीरे धीरे फिर समझ में आने लगा कि हाँ ये वाला पौधे से ये वाली बीमारी ठीक होती है, क्लियर है, चले आगे। तो डिजिटलिस, ठीक है ना, पूरा नाम क्या रहेगा इसका, डिजिटलिस परप्यूरिया, बॉटनिकल नेम, इसको हम लोग फॉक्स ग्लोव भी कहते हैं, सिनोनिम कह सकते हो, कॉमन फॉक्स ग्लोव कह सकते हो, इज अ पॉइजनस, जहरीली है स्पीसीज ऑफ पॉइजनस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन प्लांटेनम जीनस, ये जहरीला होता है किसमें, प्लांटेन, प्लांटेन क्या है, जीनस, प्लांटेन क्या है, जीनस, है ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तो जो प्लांटेनम जीनस का है ये पॉइजनस होता है, और फैमिली क्या है इसकी, प्लांटाजिनेसी, ठीक है ना, क्या फैमिली है इसकी, प्लांटाजिनेसी, ठीक है, ये अभी हमको जो हमने यहां थोड़ा सा इसका इंट्रो दिया है, यही इंट्रो अभी हमारा बायोलॉजिकल सोर्स में काम आ जाएगा, ठीक है, तो एक ही चीज को दो बार लिखेंगे, एग्जाम में भी अच्छा रहेगा, इंट्रो देने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। इट इज नेटिव टू एंड वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द मोस्ट ऑफ द टेम्परेट यूरोप, अच्छा ठीक है, ये जो आगे ज्योग्राफिकल सोर्स थोड़ा सा, ठीक है, तो कहां पे बोल रहा है, टेम्परेट यूरोप, टेम्परेट मतलब समझते हो ना, जो हमारी अर्थ है उसमें दो हिस्से होते हैं, एक इक्वेटर और एक नॉर्थ पोल, है ना, और ये वाला हिस्सा कौन सा होता है, इक्वेटर होता है, ये बीच का हिस्सा होता है इसके पोल के और इसके बीच का, इक्वेटर के बीच का, ये क्या कहलाता है, टेम्परेट। देखो ये अर्थ है, ये हिस्सा नॉर्थ पोल का हो गया, ये चौड़ाई की पट्टी काट लो इक्वेटर की, तो बीच का जो हिस्सा बचेगा वो क्या हो जाएगा,
टेम्परेट कहलाएगा, है ना। यहाँ पे लगभग धूप और ठंड लगभग ठीक ठाक पड़ती है, तो टेम्परेट यूरोप में थ्रू आउट पाया जाता है। इट इज ऑल्सो नेचुरलाइज्ड इन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नेचुरलाइज्ड का मतलब बाहर से ला करके नॉर्थ अमेरिका में भी इसको ग्रो कराया जा रहा है एंड सब अदर टेम्परेट रीजन। ठीक है, ज्योग्राफिकल सोर्स अभी हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, अभी इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। तीन चीजें जो प्रॉपरली मेंशन है उन पे ज्यादा फोकस करना है, उनको पक्के से याद करना है। ठीक है, इट इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ हर्ट मेडिसिन डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन टैबलेट आती है मार्केट में, चेक करना उसका ये क्या ओरिजिनल सोर्स है। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड डिजिटेलिस और डिजिटेलिन, डिजिटेलिस और डिजिटेलिन भी इसको कहा जाता है। आगे देखें, इस प्लांट के बारे में थोड़ी सी बातें हो रही हैं। प्लांट के बारे में क्या बात हो रही है आओ देखते हैं। कह रहा बाइनियल प्लांट है। बाइनियल प्लांट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारी गेहूं, गेहूं की फसल को सब जानते हैं। ओके, गेहूं की फसल कब लगाई जाती है, सर्दियों में, है ना, अक्टूबर नवंबर की तरफ, और काटी कब जाती है, गर्मियों में। दो सीजन लग जाते हैं, गर्मी और सर्दी, उसको अपनी साइकिल पूरी करने में। ऐसे पौधों को क्या कहते हैं, बाइनियल प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, ग्रोज एज रोजेट। रोजेट मतलब ऐसे फूल के गुच्छे की तरह इसके पत्ते होते हैं, देखे हमने, ये देखो इसके पत्ते हम लोग देख सकते हैं कैसे हैं, ये इस तरीके से ना, ये है ना, एक गुच्छा टाइप का निकला हुआ है। तो उसके लिए वर्ड क्या इस्तेमाल होता है, रोजेट ऑफ लीफ। लीफ का ऐसे फूल की तरह गुच्छा रहता है। ठीक है, इन द फर्स्ट ईयर आफ्टर सोइंग, एक साल, यानी जो फर्स्ट ईयर बोल रहा है एक्चुअली, ठीक है, फर्स्ट ईयर का मतलब क्या होता है, दो साल नहीं है, इसका जो पहला सीजन होता है जब ये ग्रो करता है तब इसके पत्ते ऐसे होते हैं बोने के बाद। बिफोर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग से पहले, एंड देन डाइंग इन सेकेंड ईयर। अब जो यहाँ पे सेकेंड ईयर है ना, कुछ बुक्स में डेफिनेशन है बाइनियल प्लांट्स की, विच टेक टू ईयर्स करके। टू ईयर्स नहीं है बच्चों, टू सीजन है। क्या है, टू सीजन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट सीजन या सेकेंड ईयर वन जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बोल देते हैं, अदरवाइज एग्जैक्टली क्या है, इसको दो सीजन लगते हैं अपनी साइकिल पूरी करने में। ठीक है, इट इज मोनोकार्पिक, एक बार फल देगा फिर मर जाएगा, जैसे मैंगो हर साल फल देता है, पॉलीकार्पिक, तो एक बार फल देने के बाद मर जाएगा, मोनोकार्पिक। क्लियर है, ओके। सिनोनिम फॉक्स ग्लोव लीव्स, डिजिटेलिस लीव्स, ये सब इसके क्या है, नाम है। अब हमारे पास मेन चीज जो याद रखने वाली है, बायोलॉजिकल सोर्स, जिसको हम थोड़ा सा ऊपर डिस्क्राइब भी कर चुके हैं, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड लीव्स। बच्चों पिक्चर में इसलिए दे रहा हूं, पिक्चर से एक बार क्या है तुम्हारी इमेज बन जाएगी, अच्छा डिजिटेलिस उसका हमने क्या था, पत्ते थे उसके, ठीक है ना, तो नाम पत्ता याद आया, एटलीस्ट ये तो याद रहेगा कि पत्ते थे उसके। नाम क्या है, डिजिटेलिस परप्यूरिया, बिलोंगिंग टू फैमिली स्क्रोफ्लुरेसी, ठीक है ना, कौन सी फैमिली है ये, स्क्रोफ्लुरेसी। अच्छा यहां पर अभी तुम लोग कंफ्यूज मत कर जाना, यहां पर कहां गए, ठीक है, डिजिटेलिस परपूरिया और डिजिटेलिस परपूरिया, प्लांटाजिनेसी। कई बार क्या होता है, फैमिलीज का थोड़ा सा क्या होता है, हिसाब किताब बिगड़ा हुआ रहता है कि पहले कुछ थे बाद में कुछ है, या उसकी फैमिली या सब फैमिली टाइप में रहता है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, तुम बायोलॉजिकल सोर्स में इसको याद रखना। क्लियर है बातें, कंफ्यूज नहीं करना बिल्कुल भी। ओके, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इट कंटेन 35 ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है ना, क्या क्या नाम है, अब देखो परपूरिया से नाम आ जाएंगे, परपूरिया ए, परपूरिया बी, ठीक है, ऑर्ड्रोसाइड एच, नेक्स्ट डिजिटॉक्सीजेनिन, डिजिटॉक्सिन, जिटॉक्सीजेनिन, जिटालोजिन आर इंपॉर्टेंट मेडिसिनल कंपाउंड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड्स। तो परप्यूरिया के नाम से ये भी याद कर लो, और डिजिटेलिस के नाम से डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, इस तरह से दो तीन नाम याद कर लो जो नाम से लिंकअप कर रहे होंगे, चार पांच ये नाम याद हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो तो अच्छी बात, अदरवाइज कोई बात ही नहीं है। और क्या क्या है, एंथ्राकिनोन, डेरिवेटिव में कौन कौन आएगा, सेपोनिन, फ्लेवोनॉइड्स, टैनिन एंड पेक्टिन, ठीक है। फिर कह रहा हूं, जो नाम से ड्रग्स निकलते हैं उनको पहले याद करोगे जिससे कि आसानी से याद हो जाए, बाकी ड्रग्स बाद में याद करोगे। थेरापेटिक एफिकेसी हमको पता है, हार्ट को लेकर सारी चीजें कर रहा है ये, तो क्या कर रहा है, इट इंक्रीज द फोर्स ऑफ कंट्रेक्शन ऑफ द मसल्स, है ना, मायोकार्डियम का फोर्स ऑफ कंट्रेक्शन ऊपर डिस्कस किया हमने, उसको इंक्रीज कर देगा ये। इट इज यूज्ड टू ट्रीट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हार्ट रिदम प्रॉब्लम्स, आर्टेरियल अरिथमियास, हार्ट अगर प्रॉपर रिदम से नहीं धड़क रहा है उसमें भी ठीक करता है ये, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर उसको ठीक करने में हेल्प करता है ये। इट कैन इंक्रीज ब्लड फ्लो थ्रू योर बॉडी, पूरी बॉडी में जब हार्ट प्रॉपर पिचक करके सारा ब्लड बाहर निकालेगा तो पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, कोई कहने वाली बात ही नहीं है। रिड्यूस स्वेलिंग इन योर हैंड्स एंड एंकल्स, जब हार्ट प्रॉपर ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा था तो स्वेलिंग आ गई थी, अब जब प्रॉपर ब्लड को पंप कर पा रहा है स्वेलिंग ठीक हो जाएगी। ओके,
इट हैज गुड इफेक्ट ऑन किडनी विच रिजल्ट इन डायोरेसिस, है ना, किडनी पे अच्छा असर डालता है, उसकी डायोरेसिस यानी यूरिन फॉर्मेशन क्षमता बढ़ाता है, एंड लॉस ऑफ एडिमा, जो बॉडी में स्वेलन होती है, एक्स्ट्रा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है सूजन की वजह से, क्या ठीक है, इस फ्लूइड इकट्ठा होने की वजह से सूजन हो जाती है, बल्कि ये कहना चाहिए, तो उस फ्लूइड को भी क्या करता है, ये निकालने में हेल्प करता है। इट हैज ए कार्डियोटॉनिक प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली बात है, हार्ट के लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है। इट इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट आर्ट्रियल फ्लटर एंड आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन, आर्ट्रियल फ्लटर एंड आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन, ठीक है ना, जो फाइब्रिलेशन में डिस्कस किया था, जो आर्ट्रियो में प्रॉब्लम्स आ जाती है उनके बारे की बात हो रही है, फ्लटर हम कह सकते हैं जो खर 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 करके ना आर्ट्रियो में आवाज आना स्टार्ट हो जाती है, तो वो उसकी बात हो रही है यहाँ पर, क्लियर है। तो ओवरऑल हार्ट की डिजीज जो हम लोगों ने हार्ट का हमने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ा था, वहां से अगर चीज अच्छे से पढ़ रखी है वो चीजें यहाँ पर लिंकअप कर सकते हो, बात क्लियर है, चले आगे। ओके, थेरेप्यूटिक एफिकेसी हो गई। नेक्स्ट आता है हमारे पास अर्जुना, है ना, उसके पत्ते ये रहे, पत्ते भी इंपॉर्टेंट है, खालू तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन चीज उसकी हमारी छाल काम में आती है ना, अर्जुना की क्या काम में आती है, छाल, दिमाग में रहेगा, छाल को हम लोग क्या कहते हैं, बार्क, छाल को हम लोग क्या कहते हैं, बार्क, क्लियर। ओके, नाम क्या है इसका, टर्मिनेलिया अर्जुना इज अ ट्री ऑफ द जीनस टर्मिनेलिया, जीनस क्या है, टर्मिनेलिया, ठीक है, अगर नाम पूरा याद है तो एक लाइन अपने आप से ऐड कर सकते हो कि टर्मिनेलिया इसका जीनस है, स्पीसीज अर्जुना है, इट इज कॉमनली नोन एज अर्जुना और अर्जुन ट्री, ये इसके सिनोनिम भी कह सकते हो, इसको हम लोग अर्जुना कहते हैं और क्या कहते हैं, अर्जुना ट्री कहते हैं इंग्लिश में। इट्स बार्क इज थिक, इसका बार्क जो होता है, क्योंकि बार्क वही मेन चीज है, उसी बारे में थोड़ा बात कर रहे हैं, मोटा होता है, ग्रे होता है, ग्रे टू पिंकिश, है ना, ग्रे से लेकर हल्का हल्का पिंकिश जैसा रहता है, पिंकिश ग्रीन, स्मूथ होता है, देख सकते हैं अंदर तरफ स्मूथ है, थिन है, कमिंग ऑफ इन इरेगुलर शीट्स, पेड़ की छाल उतारो तो इरेगुलर शीट्स, इरेगुलर कोई शेप नहीं होता है, छीलो तो इरेगुलर शेप में बाहर निकल के आता है। इट्स बिलोंग्स टू फैमिली कॉम्ब्रिटेसी, इट्स बार्क डिकॉक्शन, डिकॉक्शन मतलब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसकी बार्क को पानी में डाल दो, हीट कर दो, चाय बनाते हैं, निचोड़ लेते हैं, गर्म करके उसके जो अर्क होता है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको निचोड़ लेना, उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता है, डिकॉक्शन, जब किसी चीज को खोला दो, गर्म कर दो और उसको निचोड़ लो। ओके, इसका जो डिकॉक्शन होता है इज बीइंग यूज्ड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट फॉर एंजाइनल पेन, है ना, हार्ट का जो पेन होता है उसमें इसकी छाल का इस्तेमाल किया जाता है, हाइपरटेंशन, हाई बीपी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड डिसलिपिडेमिया, यानी कि जो लिपिड होता है, फैट होता है ब्लड के अंदर ज्यादा, उसको भी ये कम करने में हेल्प करता है, यानी कि कैसे कह सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प कर रहा है, क्लियर है। सिनोनिम की बात करें तो अर्जुन बार्क और अर्जुन के नाम से फेमस है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें अगर, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड बार्क, सूखे बार्क ऑफ टर्मिनेलिया अर्जुना ऑफ फैमिली कॉम्ब्रिटेसी, ठीक है ना, तो देख सकते हैं ऊपर की लाइनें, कुछ लाइनें फिर नीचे मिक्सअप हो जाएंगे, उसको लिख दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छे नंबर मिलेंगे इससे, ठीक है ना। आगे आते हैं, केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो देखो मैंने क्या कहा, अर्जुन है, अर्जुनोलिक एसिड, अर्जुनिक एसिड, अर्जुनोजेनिन, ठीक है ना। फ्लेवोनॉइड की बात करें तो अर्जुनेटिन, अर्जुनोलोन, अर्जुनोन, ठीक है ना, ठीक है, तो नाम से ही चीजें याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगी, ठीक है। ये टैनिंस है हमारे पास, ठीक है, इसमें टैनिंस पाए जाते हैं एंड ट्राई टर्पिनॉइड सपोनिन भी पाए जाते हैं, तो ये अर्जुन वाले नाम याद कर लो, 1 2 3 4 5 काफी है, सफिशियंट है ना, है ना, कितना आसान हो जाएगा ये। थेरोपेटिक एफिकेसी, इट इज यूज्ड एज हार्ट टॉनिक, ऑब्वियसली बात है हार्ट के लिए पढ़ रहे हैं, स्ट्रेंथन द हार्ट मसल, अब देखो हार्ट की बात आई तो डिजिटलिस हुआ या अर्जुना हुआ, हार्ट को लेके 3-4 बातें दिमाग में सेट कर लो, वही उसमें लिख देना, वही इसमें लिख देना, दोनों तो आएंगे नहीं एग्जाम में एक साथ, कोई आएगा एक, बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा अपना खुद का भी दिमाग लगाना, लकीर का फकीर नहीं बनना है कि इसमें अलग लिखेंगे उसमें अलग लिखेंगे, क्यों भाई, दोनों है तो हार्ट के लिए, एक आध अगर मान लो कोई चीज कम, मान लो हार्ट के लिए है तो कहीं कम ठीक करता है कहीं ज्यादा ठीक करता है, तो हार्ट की तो प्रॉब्लम सारी लिख ही सकते हो, बात समझ में आ रही है ना। हाँ बिल्कुल, ये नहीं कि पता नहीं खैर कितना याद करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, एक की चीज दूसरे में मर्ज करना सीखो, लेकिन तरीके से, ये नहीं कुछ भी अनाप शनाप मर्ज कर दो, बात ठीक है, ठीक है। हेल्प इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर, लो बीपी वाला काम वहां पे भी था, हेल्प इन मेंटेनिंग नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है, अब ये चीज थोड़ी अलग आ गई है। आल्सो यूज टू ट्रीट डिसेंट्री, डिसेंट्री में भी कई बार इसका इस्तेमाल हो जाता है, ईयर एक कान के दर्द में भी काम में आ जाता है। इट इज यूज टू ट्रीट एस्थमेटिक कंडीशन, अब ये थोड़े से दो अलग हो गए, ठीक है, लेकिन ट्रीट तो करते हैं,
ठीक है, तो हार्ट वाले तीन चार प्रॉब्लम याद कर लोगे, चार पांच प्रॉब्लम वही उसमें लिखने, वही इसमें लिख देना। क्लियर है? आसान हुआ? कैसे करना है, कैसे लिखना है? ओके, चलें आगे। थेरेप्यूटिक एफिकेसी खत्म, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास बी है एंटीटसिव। बी क्या है हमारे पास? एंटीटसिव। वो हमारे पास उसमें दो ही ड्रग थे, ठीक है, कार्डियोटोनिक में। तो मैं क्या कर रहा हूं, दो दो ड्रग वाले आज ले लिए, जिसमें चार पांच ड्रग एक साथ हैं उनको एक साथ कर लूंगा एक टॉपिक को, जिसमें एक एक ड्रग है उसको एक साथ चार पांच छह सात ड्रग एक साथ ले लूंगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा उसमें चैप्टर नंबर 5 के ही हैं सारे, सिलेबस सामने रख लेना कौन कौन से टॉपिक कवर कराता हुआ चल रहा हूं। ओके, एंटीटसिव इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूं। तुम लोग खाना खाते हो, ठीक है, गले में एक बात कर रहे हो और ठसा लग जाता है। क्यों लग जाता है ठसा? वो खाना का जो हम लोग जब खा रहे होते हैं ना, बात कर रहे होते हैं, हमारा दिमाग भटक जाता है। ऐसे दो पाइप गए हैं, एक हवा के लिए है ना, दो पाइप गए हैं, एक हवा के लिए और एक खाने के लिए। हवा वाले के ऊपर ऐसे कवरिंग रहती है, बात समझना, ठीक है। खाते खाते जब सांस लेनी होती है कवर खुलता है बंद हो जाता है, सांस लेनी होती है कवर खुलता है बंद हो जाता है। हम बात भी कर रहे हैं, हुआ क्या, बात करते करते जब हम कोर को निगल रहे थे तो खाना का कोई एकाध टुकड़ा अंदर जा रहा था, ये गलती से हल्का सा हवा लेने के लिए खुला, वो खाना का टुकड़ा भी अंदर आ गया। और ये जैसे टुकड़ा अंदर आता है, ये रिफ्लेक्स मतलब जिसे कहते हैं ना सजगता से, ब्रेन इसको बंद करता है एकदम से, और यही कुन्ने पे ये खाना फंस जाता है। अब ये खाना इस कुन्ने से अंदर भी खिसक सकता है। अब जब यहां फंस जाता है तो ब्रेन क्या करता है, हमारे गले में खांसी मतलब खुजली करता है, जिसे कहते हैं स्टिमुलस, और बड़ी तेज खांसी होती है और ठसा लगता है, ये सारा कोर निकल के बाहर आ जाता है, मतलब जो गले में फंसा होता है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से ये जो रिफ्लेक्स आर्ट, ब्रेन अपने आप खांसी लेके आता है, बहुत जरूरी है खांसी। अगर ये खांसी नहीं आएगी तो क्या होगा, हमारे एयरवेज में कोई चीज फंसी हसी हो तो बाहर कभी निकलेगी ही नहीं, डेंजर हो जाएगा अगर खांसी आना बंद हो जाए। लेकिन हाँ, बेवजह बहुत ज्यादा खांसी आएगी तो भी दिक्कत है, फिर नींद नहीं आएगी, थकावट होती है और कई तरह की दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो टसिव मतलब जो खांसी आ रही है, हमें खांसी आ रही है जो काम के वक्त आती है, मान लो कोरा फंसा, ब्रेन ने खांसी ला दी, ठीक है, कफ जमा हुआ, ब्रेन खांसी लेके आया, कफ खांसा हमने और वो गाढ़ा गाढ़ा जो कफ था वो बाहर आ गया, ठीक है। और एंटीटसिव उस खांसी को रोकना है। तो अब मेरे को ये बताओ, अगर तुम्हारे कफ में म्यूकस आ रहा है, म्यूकस में समझ रहे हो ना, गाढ़ा गाढ़ा वो निकल रहा है, मवाद सा निकल रहा है कफ में, तो उस समय खांसी आना जरूरी है ताकि वो कफ फेफड़ों से बाहर निकल के आ सके, ठीक है। लेकिन अगर सूखी खांसी है, वो तो बेवजह खांसी हो रही है, उसको कम करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज नींद नहीं आती है और सर में दर्द भी हो जाता है खांसते खांसते। तो जो सूखी खांसी के लिए मेन काम रहेगा यहां पर एंटीटसिव, हमें उस खांसी को रोकना है। तो क्या कर रहा है, एंटीटसिव आर ड्रग्स डेट सप्रेस मतलब दबा देता है किसको, कफिंग को। कैसे दबा देता है, इसका सिस्टम भी समझ लो। जैसे मान लो अभी मैं इस ये पेन का मोटा हिस्सा है, मैं ऐसे कर रहा हूं, मेरे को चोटी नहीं लग रही है ना, मैं हाथ नहीं हटा रहा, ठीक है। अभी मैं एक पतली सी पिन लेके आ जाऊं, ऐसे करेगा ना कोई मेरे को तो मैं एकदम से हाथ हटाऊंगा। अब मान लो पतली पिन लेके आ रहा है, किसने मारा मेरे को, अब मेरे को दर्द नहीं हो रहा, यानी कि मैंने अपने हाथ की सेंसिटिविटी को इंक्रीज किया कि पतली पिन का तुम्हें दर्द सहना है, इसका तुम्हें दर्द नहीं लेना है। तो ब्रेन भी क्या करता है, यहां पर इसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है। खांसी अगर उतना लेवल तक की खुजली अगर नहीं होगी तो खांसी नहीं आएगी, यही होते हैं एंटीटसिव। और फिर तब तक 7-8 घंटे का मौका मिलता है बॉडी को, बॉडी रिकवर करती है उसको। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, चले आगे। तो सप्रेस कफिंग आल्सो नोन एज कफ सप्रेसेंट, इसको हम लोग कफ सप्रेसेंट भी कहते हैं। कफ बच्चों बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, कफ का मतलब, हां कफ का मतलब खांसी होता है, कफ का मतलब खांसी होता है। कफ दो टाइप के होते हैं, ड्राई और वेट, सुना है, कफ दो टाइप के होंगे, एक कहते हैं सूखी खांसी, एक कहते हैं बलगम वाली खांसी, याद आया, वेट मतलब गीला है ना, ड्राई कफ और वेट कफ। बलगम वाली खांसी, कफ का मतलब ही खांसी, लेकिन वो कुछ लोग कहते हैं हमें कफ आ रहा है, अरे कफ तो आ रहा है, कफ मतलब बलगम के लिए बोलना पड़ेगा, हाँ डॉक्टर पूछता है क्या बलगम आ रहा है, इसलिए डॉक्टर पूछता है बलगम आ रहा है, कफ का मतलब तो खांसी होता है, ठीक है। ओके, इट इज नॉर्मल एंड वाइटल रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स, ये नॉर्मल है, खांसी आना एक नॉर्मल है, डस्ट पार्टिकल चला जाएगा, खांसी आएगी ताकि वो डस्ट पार्टिकल बाहर आ जाए, और रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स मतलब कोई चीज फंसेगी तो ऑटोमेटिक एक्शन होगा ये, ठीक है। प्रोटेक्ट द एयरवेज, ये हमारे जो श्वास नली है उसको प्रोटेक्ट करता है ताकि उसमें कोई पार्टिकल ना चला जाए, फ्रॉम एस्पिरेशन ऑफ फूड एंड फ्लूइड, खाना या पानी उसके अंदर ना चला जाए, क्योंकि फेफड़े में खाना या पानी चला गया तो डेथ हो जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी चीज है खांसी, लेकिन बेवजह नहीं होनी चाहिए।
एबोलिशन और सीवियर इनिबिशन, अगर ये खत्म हो जाए, एबोलिशन मतलब खत्म होना और इनिबिशन मतलब रुक जाना, अगर ये रिफ्लेक्स खत्म हो जाए, दिस रिफ्लेक्स वुड बी अ लाइफ थ्रेटनिंग, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग यानी कि जान जा सकती है, क्यों, खाना खाया खांसी आई नहीं, खाना चला गया अंदर, डेथ हो सकती है, ठीक है। एक्यूट कफ इज अ कॉमन सिम्टम एसोसिएटेड विद कॉमन कोल्ड, अब ये तो होगी नॉर्मल बात, एक्यूट कफ है ना, बहुत ज्यादा कफ जो होता है ना, खांसते हैं, बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, ये कॉमन सिम्टम है किसका, कॉमन कोल्ड है ना, सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है। एंड फ्लू, समझते हो फ्लू क्या होता है, एंड इज कॉज्ड बाय हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द कफ रिफ्लेक्स, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ कफ रिफ्लेक्स, हो क्या जाता है जिस समय कफ हो जाता है, फ्लू हो गया है, वायरल हो गया है, ये यहां पर ना, जैसे अभी क्या था मेरे को इसके मारने से दर्द नहीं हो रहा था, ये हाथ मेरा यहां पर इतना नाजुक कर दिया जाएगा कि इसको मारूंगा और मैं रोने लगूंगा कि बहुत तेज मार दिया है, यानी कि ये हाइपर सेंसिटिव हो गया मेरा हाथ। तो उसी तरह हमारा जो यहां पर जो आर ये होता है, रिफ्लेक्स होता है, ये हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, थोड़ा सा भी अगर इचिंग होगा ना तुरंत खांस देगा, ठीक है ना, तो नॉर्मली उसको खांसना नहीं चाहिए। क्यों हो जाता है ऐसा, बिकॉज ऑफ फ्लू, इस खांसी जुकाम की वजह से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, हल्की सी हवा गई तुरंत यहां पर इचिंग होगी और तुरंत हमको खांसी आएगी, क्लियर है, ठीक है। सो कफ ऑकर्स स्पॉन्टेनियसली और इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई सच एज कोल्ड एयर, तो हमको खांसी आती रहती है अपने आप, स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप, और या ठंडी ठंडी कोई हवा चली है गली में तो अपने आप क्या आएगी, खांसी आना शुरू हो जाएगी, जो कि फिर क्या रात भर आती है, नींद नहीं आएगी, सर पकड़ लेगा, दर्द होने लगता है, क्लियर है, चलो। एंटीटसिव आर थॉट टू वर्क बाय इनिबिशन ऑफ, एंटीटसिव सोचा जाता है कि ये काम करते हैं बाय इनिबिशन ऑफ, इनिबिशन मतलब रोक करके, किसको रोकेंगे, कोऑर्डिनेशन रीजन फॉर कफिंग, कफिंग का जो कोऑर्डिनेटेड रीजन है कि खांसी होती है, सिग्नल जाता है ब्रेन में, मतलब इचिंग हो रही है, कुछ भी फंसी सिग्नल ब्रेन में जाता है, ब्रेन क्या करता है, खांसी लेकर के आता है, ठीक है। अब ये सिग्नल जो प्रोसेस है इसको क्या कर दिया जाएगा, ब्रेक कर दिया जाएगा या लो कर दिया जाएगा, तो उसको रोक रहा है ये, ठीक है ना। रीजन फॉर कफिंग लोकेटेड इन द ब्रेन स्टेम, जो ब्रेन स्टेम में इसका सेंटर है, जो कफ को लेके आता है उसको क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा कि भाई लेके नहीं आनी खांसी। डिसरप्टिंग द कफ रिफ्लेक्स, जो ही पूरा सिस्टम था रिफ्लेक्स का कि यहां से सिग्नल गया खांसी की कोई चीज अटकी है, वहां से सिग्नल आया कि खांसो, इस रिफ्लेक्स को बंद कर देगा वो थोड़ी देर के लिए। ऑल्दो द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज अननोन, एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी भी अननोन है, हमने एक आइडिया लगा लिया कि ऐसा हो, ये दवाइयां ऐसा करती होंगी, क्लियर है, चले आगे। तो ये था जनरल बातें एंटीटसिव के बारे में, वसाका, ठीक है ना। एंटीटसिव में पहला ड्रग हमारे पास क्या है, वसाका, वसाका क्या है, आल्सो नोन एज मालाबार नट, इसको सिनोनिम के भी ले सकते हैं हम लोग, है ना, इन इंग्लिश आधा तोड़ा, इन तमिल आधा तोड़ाई, और वासा इन तेलुगु, ठीक है ना, एंड अरुषा इन हिंदी, तो ये कई सारे नाम है इसके, ये इसका पत्ता है, देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो क्या है, इज अ पोटेंट आयुर्वेदिक प्लांट दैट एनहांसेस द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये काफी ताकतवर एक आयुर्वेदिक प्लांट है ना, पोटेंट, जो एनहांस करता है, बढ़ा देगा रेस्पिरेटरी सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमारे क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, उसको काम करने के लिए इनकरेज करेगा, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर ब्रीदिंग ट्रबल, किसके लिए इस्तेमाल होता है ये, ब्रीदिंग ट्रबल के लिए, अगर सांस वगैरह नहीं आ रही है, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट होगा, तेज जल्दी जल्दी सांस लेगा तो बॉडी में सांस आराम से आएगी, ओके। यूज्ड फॉर ब्रीदिंग ट्रबल, कफ खांसी में इस्तेमाल होता है, कोल्ड में भी इस्तेमाल होगा, नजल कंजेशन, नाक जकड़न हो गई है, सोर थ्रोट, गले में खराश आ गई है, आस्थमा, ब्रोंकाइटिस, है ना, फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो हमारा विंड पाइप है उसमें कोई दिक्कत आ गई है, या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, कोई खून की वाली प्रॉब्लम है, उन सब में इसका मल्टीपल, मतलब कई मल्टीपल काम है इनके, ठीक है ना, तभी आयुर्वेद की तरफ लोग ज़्यादा जाते हैं अगर लंबे समय का ट्रीटमेंट करवाना होता है तो, ठीक है, आगे आते हैं। तो बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें अगर हम लोग, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्रेश और ड्राइड लीव्स ऑफ अधतोड़ा वैसिका ऑफ फैमिली अकैंथेसी, ठीक है ना, अधतोड़ा वैसिका ऑफ फैमिली अकैंथेसी, ठीक है ना। नेक्स्ट केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो वसा का कंटेन क्यूनाजोलिन अल्कोलाइड्स, क्या होते हैं इसके अंदर, क्यूनाजोलिन अल्कोलाइड्स, मेन अल्कोलाइड्स आर वैसिन, वैसिसिन और वैसिसिनोन, 6-hydroxy-vacicin, ठीक है ना, तो ये वैसिसिन वैसिसिनोन नाम याद रख सकते हो। लीव्स कंटेन वोलेटाइल ऑयल बीटेन एंड वसाकिन, ठीक है ना, तो केमिकल कंस्टेंट है, यहां पे थोड़ा सा नाम एक जैसे मिलते जुलते हैं, वसाका से वैसिसिन वैसिसिनोन 6-hydroxy-vacicin, ठीक है ना। तो जो मेरे ड्रग के नाम से केमिकल मिलते जुलते हैं, मैंने फिर पहले बताया
कि उसकी वाले ड्रग्स हमको केमिकल कंस्टेंट याद रखने, ताकि याद रखने हमारे लिए आसान हो जाए। थेरापेटिक एफिकेसी की अगर हम बात करें कि ये क्या क्या चीजें ठीक कर सकता है, तो देखो इसका अच्छा खासा है, प्रिवेंट कफिंग, कफ रोकेगा, एंटीवायरल है, इफेक्टिव इन क्यूरिंग ब्रोंकाइटिस, है ना, फेफड़ों के लिए, क्योर अल्सर, अल्सर जो होते हैं मुंह के, रिड्यूसेस ज्वाइंट पेन, ज्वाइंट पेन जो घुटनों जोड़ों का दर्द होता है उसको कम करेगा, अस्थमा को कम करेगा, साइनसाइटिस आजकल बहुत आम दिक्कत है उसको ठीक करता है, प्रोवाइड रिलीफ टू सोर थ्रोट, ठीक है, गुड फॉर गट हेल्थ यानी कि पेट के लिए काफी अच्छा है, इफेक्टिव इन यूरेमिया, ठीक है ना। तो ये सारे इसके कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 5, 10, लगभग 10 इसके यूज हैं, ठीक है, जो कि तुमको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, क्लियर है। चले आगे, नेक्स्ट तोलू बल्सम। तो तोलू बल्सम में एक शब्द आएगा बच्चों, रेजेनियस। बल्सम का मतलब क्या होता है, बल्सम का मतलब क्या है, रेजेनियस एक्सुडेट। रेजेनियस, रेजेनियस क्या होता है, ये देखा है, ये तोलू बल्सम नहीं है, मैंने बस एक ये किसी प्लांट का लाके पिक्चर लगाया है, ठीक है ना, उसमें से देखते हो इस तरह से ये गाढ़ा गाढ़ा सा फ्लूइड से निकलता है, इसी को रेजाइन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, रेजिन्स, रेजिन कहते हैं, क्या वर्ड है इसका, जो रेजिन वर्ड आता है इसके लिए आता है, यही निकाल करके देखो इस तरह से हम काट देते हैं छाल को, और यहां पे एक पॉलिथीन या कुछ लगा देंगे, इसके अंदर ये इकट्ठा होता रहेगा, इसको बाहर निकाल लेंगे, सुखा करके फिर हम उसको कुछ इस तरीके से इसके डेले से बना लेते हैं, क्लियर है, ठीक है, और फिर इसका इस्तेमाल होता है, बात समझ में आई, ठीक है, तोलू बल्सम याद रहेगा। चले आगे, तोलू बल्सम और बल्सम ऑफ तोलू इज अ बल्सम, बल्सम मतलब रेजाइनियस एक्सुडेट, ये रहा, क्लियर, बल्सम का मतलब क्या है, इट इज सिमिलर टू बल्सम ऑफ पेरू, ये बल्सम ऑफ पेरू जो पेरू का बल्सम होता है, जो पेरू प्लांट की बात हो रही है, ठीक है, उसी के जैसा है ये, इट इज टैप्ड फ्रॉम द लिविंग ट्रंक्स ऑफ माइरोजाइलोन बल्सिमम। टैप मतलब देख रहे हो, लिविंग ट्रंक, ट्रंक मतलब क्या होता है, तना, पेड़ का तना, लिख लो हिंदी, पेड़ के तने को हम लोग क्या करते हैं, टैप कर देते हैं, काट देते हैं और ये लगा देते हैं, वहां से निकल के ये बाहर आता है, क्लियर है, ओके, आगे आते हैं। द फ्रेश बल्सम ऑफ तोलू इज ब्राउनिश, स्टिकी, भूरे कलर का होगा, चिपचिपा होता है, सेमी फ्लूइड, फ्लूइड भी होगा, थोड़ा थोड़ा ठोस भी होता है, ठीक है, इट इज ग्रेजुअली बिकम्स अ ब्रिटल सॉलिड, ग्रेजुअली मतलब क्रमशः धीरे धीरे सूखते चला जाएगा, और ए ब्रिटल सॉलिड, ऐसा सॉलिड जो पकड़ो तोड़ो तो टूट जाए, ठीक है, बट सॉफ्टन अगेन व्हेन इट इज वार्म, बट क्या है, दोबारा से सॉफ्ट आ जाएगा अगर हम इसको क्या कर दें, गर्म कर देंगे, क्लियर है, ओके, आगे आते हैं। द बल्सम कंटेन अ फेयरली लार्ज अमाउंट ऑफ बेंजाइल, इसके अंदर काफी ज्यादा बेंजाइल और सिनामाइल इस्टर्स ऑफ बेंजोइक एसिड एंड सिनामिक एसिड होते हैं, ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं केमिकल में भी इसका काम में आ जाएगा, कौन कौन है इसमें, बेंजाइल बेंजोएट और बेंजाइल सिनामेट, इस लाइन को यहां से हटा के चाहो तो केमिकल में डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, ये इसके बारे में जनरल बातें हो गई। आओ देखते हैं बायोलॉजिकल सोर्स, रेजिन्स, रेजिन्स क्लियर हो गया क्या होता है, गुड, ऑब्टेन फ्रॉम द इनसीजन, इनसीजन मतलब कट, जब कट लगा दिया पेड़ में, इनसीजन ऑफ ट्रंक, ट्रंक का मतलब क्या बताया था, तना ऑफ माइरोजाइलोन बल्सिमम और माइरोजाइलन टोलिफेरा ऑफ फैमिली लेग्यूमिनेसी, ठीक है ना, किस फैमिली के हैं ये, लेग्यूमिनेसी फैमिली के हैं, क्लियर है, ओके, आगे आते हैं। मेजर कंस्टिट्यूएंट की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं, रेजिन्स के अंदर सिनामिक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड है, ठीक है, रेजिन्स अल्कोहल कंबाइंड विद एसिड्स टोल्यू रेजिटेनॉल, ठीक है ना। तोलू बल्सम ऑयल की बात करें तो क्या क्या इसके अंदर है, फेलेंडेरेना, फेलेंडरीन, बेंजाइल बेंजोएट, या आ गया बेंजाइल बेंजोएट, ठीक है ना, बेंजाइल सिनामेट, वेनिलीन और यूजिनॉल, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, कम से कम 4 या 5 अपने याद कर लो, जो इजिली याद कर सकते हो, बाकी सब हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। थेरापेटिक एफिकेसी की बात करें अगर हम लोग, तो क्या है थेरापेटिक एफिकेसी इसकी, तो इट इज यूज्ड इन कफ, ठीक है ना, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, खांसी में इस्तेमाल हो रहा है, बढ़िया, ब्रोंकाइटिस है ना, फेफड़ों में सूजन वगैरह आ जाए, स्वरन एयरवेज, हमारे जो विंड पाइप है वो सूज जाए, और कैंसर, इवन कैंसर में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। इट इज अप्लाइड डायरेक्टली टू द स्किन, अच्छा स्किन पे भी लगाते हैं हम लोग, ठीक है ना, स्किन में भी इसके कुछ फायदे हैं, ठीक है। बेड सोर्स, बेड सोर्स क्या होते हैं, बेड मतलब बेड होता है सोर, अगर बहुत ज्यादा, जैसे कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा बैठे रहते हैं, दिन में 15-15 घंटे बैठ कर काम कर रहे हैं,
तो उनके बम पर क्या होते हैं, वो पड़ जाती है, सिकुड़न सी पड़ जाती है, स्किन में घर्षण सी पड़ जाती है, ठीक है ना। या जो बहुत देर तक बाइक चलाता है तो उनकी स्किन में घर्षण सी पड़ जाती है, उसको कहते हैं बेड सोर। क्रैक्ड निपल्स, निपल्स अगर क्रैक्ड हो गए हैं, क्रैक्ड लिप्स, लिप फट गए हैं, माइनर स्किन कट, अगर कोई छोटा मोटा कट लग गया है तो उसमें भी, उस केस में भी हम लोग इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। क्लियर है, चलें आगे। अच्छा दूसरा ही था क्या, ये ध्यान नहीं रहा। ओके तो सेकेंड था। तो ये हमारे पास आज चार ड्रग्स फिर से हो गए हमारे पास। तो तुमको पता है ना क्या करना है, नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जाकर के डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तुम ही लोगों के लिए नोट्स हैं वो, ठीक है ना। और क्या करना है, तरीका मैं समझाता जा रहा हूं कि कैसे याद करो कॉग्नोसिस से, कॉग्नोसिस से डरना छोड़ दो अब, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे पढ़ने बात समझा रहा हूं मैं, बट इसको रिवीजन, थोड़ा सा रिवीजन अपने लाइफ में, अपने पढ़ाई में और ऐड कर लोगे तो क्या होगा, लाइफ की सारी चीजें आसान हो जाएगी, क्या तुम्हारा एग्जाम हो या लाइफ की कोई और चीज हो। क्लियर है ना। तो क्या करोगे, रिवाइज करोगे, रिवीजन करोगे। ओके, ऑल द बेस्ट।